we have brought the stories of 21 people in front of you. Rhythm of Life, जब हमने शुरू किया तो हमारी सबसे कोर थॉट प्रोसेस इस शो के पीछे ये था कि हम ऐसी जर्नीज आप तक पहुंचाएं उन लोगों की जिन्होंने अपने बारे में बताया नहीं है, जिन्होंने अचीव तो किया है लेकिन अपनी कहानियां, अपनी सच्चाइयां कैमरे के आगे, दर्शकों के आगे कम बयां करी है, और यही कोशिश रही हमारे इस 21 एपिसोड्स की जर्नी में। तो ये हमारा सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है और हम चाहेंगे कि एक बार हम वापस अपने जो 21 एपिसोड हमने आप तक पहुंचाए हैं उसकी एक झलकियां देखें, उससे हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना, हमने आप तक क्या पहुंचाने की कोशिश करी, ये हमारी कोशिश रहेगी। एपिसोड 1 रिदम ऑफ लाइफ में थे हमारे बॉलीवुड के ओरिजिनल गैंगस्टर, जो हमने उनको टाइटल दिया था अभिमन्यु रे, जो ऑफिशियली एंड टेक्निकली भी मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड के पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने रंग दे बसंती, चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में कास्टिंग्स की है। और मुझे अगर उस एपिसोड का टेक अवे लेना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा था, जिस पे उन्होंने एक्टर्स के लिए बोला था कि सबके लुक एक जैसे ही नज़र आने लगे हैं। What's happening is no one's becoming original. You cannot tell the difference from one person to another. Everyone's looking the same. Firstly, everyone's got the same beards, the same buzz cuts. एपिसोड 2 में हमारी एक बेहद ही खास मेहमान थी, वो थी स्मिता ठाकरे जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी उनके साथ। उन्होंने इस एपिसोड में उन्होंने डाइवोर्स के बाद अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया और उसके पीछे का क्या कारण था, ये बहुत खुल के बोला। और स्मिता जी से एक बात ज़रूर सीखने को मिली कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा था, है भी। शादी के बाद, इनफैक्ट डिवोर्स के बाद, मैंने सरनेम चेंज नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ मेरे ससुर जी की इच्छा थी और मेरे बच्चों का हक था, इसलिए मैंने सरनेम चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि तू इसी घराने से है और तू इसी घर में तू रहेगी। एपिसोड 3 रिदम ऑफ लाइफ पर फीचर किया था नीलिमा अजीम जी ने, और काफ़ी इमोशनल और काफ़ी दिल से जुड़ी कॉन्वर्सेशन थी। और जब मैंने, मुझे याद है, उनसे ये बात पूछी कि जिस तरह की उनकी लाइफ स्ट्रगल्स रही है, जो कि आसान नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी सोच, अपनी अंतर्मन की ताकत से वो आगे बढ़ी, और जब मैंने उनसे इस बात पर गौर फरमाने को कहा कि अगर कभी ऐसी फिल्म बनाई जाए जहाँ उनके दो बेहतरीन सुपुत्र, जो एक बड़े कलाकार हैं, ईशान खट्टर और शाहिद कपूर को, और उसमें खुद भी वो फीचर करें, तो वो फिल्म किस तरह की होनी चाहिए, क्या उसकी कहानी होनी चाहिए, तो आइए जानते हैं उसका जवाब क्या दिया उन्होंने। एक बहुत इंडिविजुअल्स की कहानी होनी चाहिए, एक माँ है लेकिन इंडिविजुअल है, बच्चे हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन भाई हैं, तो कुछ इस तरह से अगर रियल लाइफ में से कुछ चीज़ें लेते हुए और फिर सिनेमेटिकली उसको ट्रांसलेट किया जाए और एक आर्टिस्टिक जर्नी भी हो उसमें, तो बड़ा मज़ा आएगा। एपिसोड 4 में नज़र आए एक हरफन मौला कलाकार, जो राइटर भी हैं, जो डायलॉग्स भी लिखते हैं, जिन्होंने खूब अभिनय भी, अलग अलग अभिनय के अंदाज में आपने उनको स्क्रीन पर देखा है, वो थे हमारे इनामुल हक साहब। और काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, काफ़ी इनोवेटिव रही, क्रिएटिव रही, बहुत सारे यंग एक्टर्स इस इंटरव्यू को देखकर कहीं ना कहीं कुछ टेक अवे ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में रही, वो जब हमने उनसे कंटेंट पे, इंडियन सिनेमा या हमारे सिनेमा के कंटेंट पर बात करी थी, तो उन्होंने कुछ बातें बताई थी। आपका मोटिवेशन यही होता था डेडलाइन, कि भैया एपिसोड जाना है और ख़त्म करना है, तो उतना, इसीलिए हिंदुस्तान में उतना क्वालिटी काम नहीं हो पाता, क्योंकि एवरीबडी जस्ट फोर्स टू मीट द डेडलाइन, और जब डेडलाइन इतनी शॉर्ट होती है कि परसों एपिसोड जाना है बनाना है, तब आप फिर कुछ नहीं सोचते, फिर आप डेडलाइन सोचते हो, और वही क्वालिटी रहती है काम की, जो कि है हमारे देश में, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है हमारे कंटेंट की, है तो है। एपिसोड 5 पर हमने आपके सामने एक ऐसे कलाकार की जर्नी लेकर आए जो छिछोरे में, जिस फिल्म, जो छिछोरे फिल्म में काफ़ी मशहूर हुए थे बेवड़े के किरदार से, सहर्ष कुमार शुक्ला, और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी कैसी कॉमराडरी थी, क्या सीखने को मिला और क्या फील करते थे, बड़े दिल खोल कर इसका जवाब दिया। कॉरिडोर में जा रहा था तो पीछे से एक हाथ आया मेरी पीठ पे, ठप से मारा, और मैं, अरे कौन, तो बोले यार तू बड़ा अच्छा काम करता है यार, बड़ा रियल काम करता है, कहीं से लगता नहीं कि तू एक्टिंग कर रहा है यार, तो उनका इस तरह मुझसे मिलना मुझे अच्छा लगा था।
अगले एपिसोड नंबर 6 पे हम लेकर आए थे साहिल आनंद, जो काफ़ी पॉपुलर हैं जेन ज़ी में, और उन्होंने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ किए हैं, मूवीज़ फिल्म में भी नज़र आए हैं, टीवी में भी नज़र आए हैं, और बिग बॉस करके उनको कैसा महसूस हुआ था और बिग बॉस और रोडीज़ में किस तरह का लेवल है, इसके बारे में उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प जवाब दिया था, ये जानते हैं। That was the worst experience of my life, Big Boss. मेरे टाइप का शो नहीं है यार, मैं नहीं रह सकता हूँ एक घर के अंदर बंद होकर ऐसे लोगों के साथ जिनको मैं जानता नहीं हूँ, और वो सिर्फ आपको ऐसे देख रहे हैं, घूर रहे हैं आपके पीछे, आपकी बातें कर रहे हैं। MTV रोडीज की वजह से मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला तब, एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार शायद यही था जो मुझे करना था, और ये डायरेक्शन मुझे भगवान ने दी है MTV रोडीज के रूप में कि मुझे इस फील्ड के बारे में पता चला, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। एपिसोड 7 पे थी हमारी एक बहुत खास मेहमान, द बबली द टॉकेटिव RJ अर्चना पानिया, और काफ़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन रही उनसे, काफ़ी मज़े आए हमें इंटरव्यू करने में भी, और शी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड होस्ट। और जब हमने उनसे ये बात जानने की कोशिश करी, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करी कि जो बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है उस पर वो क्या सोचती हैं, तो एक बहुत अमेजिंग आंसर था। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है और लोगों को लगता है वो जो उनके मन में आ रहा है, और देखो मीम बनाने वाले हमको पता नहीं होता है कौन होते हैं, वो कहाँ पे कौन से कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में बैठ के बना रहे हैं पता नहीं है। एपिसोड 8 रिदम ऑफ लाइफ में हम लेकर आए थे आपके लिए प्रोड्यूसर राइटर शब्बीर बॉक्स वाला, जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन हमने उनसे कोशिश करी उनके दिल की बात जानने की। जब हमारा ये सवाल था कि आजकल जो एक्टर्स हैं वो मल्टी स्टार फिल्म्स करने में क्यों कतराते हैं, तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था और बहुत वैलिड आंसर था, आइए जानते हैं। मे बी इट्स इनसिक्योरिटी इन 1990s हीरोज यूज्ड टू बी मोर क्लोज निटेड मोर फ्रेंडली सो दे यूज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर। एपिसोड 9 रिदम ऑफ लाइफ पे हम लेकर आए थे द एस फैशन डिजाइनर प्रिया कटारियापुरी, जिन्होंने बहुत ही स्मार्ट एंड सटल स्टाइल में इस बात पर गौर फरमाया कि अगर वो कलेक्शंस देखती हैं आज के ज़माने में डिज़ाइनर्स के, किस तरह वो सेम लगते हैं और क्यों सेम लगते हैं, आइए जानते हैं। यू नो आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट व्हेन मैं इंडियन कलेक्शन देखती हूँ सबकी सेम है। आप मुझे किसी का भी लहंगा दिखा दो, बोलो ये किसका लहंगा है, आई विल नॉट बी एबल टू टेल। एपिसोड 10 रिदम ऑफ लाइफ पे हम फिर लेकर आए आपके लिए एक ज़बरदस्त कलाकार कुमुद मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की गाथा, अपनी कहानियाँ सुनाई जो अब तक उन्होंने कहीं बयान नहीं करी कैमरे के आगे, और साथ ही साथ जब हमने ये जानने की कोशिश की कि रणबीर कपूर के बारे में उनकी इस तरह की सोच क्यों है, तो उनका क्या जवाब था, आइए देखते हैं। इस उम्र में है, उसके बहुत आगे की परफॉर्मेंसेज वो दे रहे हैं, और दुर्भाग्य है कुछ फिल्में नहीं चल रही हैं, वो दुर्भाग्य, वो तो हमारी इंडस्ट्री का वो है कि भाई कुछ फिल्में चलती नहीं चलती, वो ठीक है, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस को कभी आप सवाल नहीं उठा सकते, उनकी परफॉर्मेंसेस फिल्में चले ना चले उनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा करेक्ट रहती हैं। एपिसोड 11 पर एक काफ़ी यू नो डिफरेंट और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हम लेकर आए थे, मिस्टर KK कौशिक, जो कैलकुलेशंस की ज़िंदगी में हमें लेकर गए। कैलकुलेशन जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ग्रहों के क्या होते हैं उस बारे में जानने की कोशिश की, और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बात पर फोकस किया कि हाथों की हस्तरेखाएं किस तरह घटती बढ़ती हैं, उसके पीछे का क्या कारण होता है। बताए गए सनातन धर्म के माध्यम के अनुसार आप अगर उस तरीके के कार्य में लिप्त हैं, कर रहे हैं, तो उससे आपकी हस्त की रेखाएं बढ़ती और घटती है। एपिसोड 12 रिदम ऑफ लाइफ में फिर हम लेकर आए थे द सुपर मॉडल स्टोरी ऑफ प्रिया त्रिवेदी, जो अपने समय की एक बहुत ही विख्यात मॉडल रही हैं, और क्यों अब सुपर मॉडल का टैग इस समय में नहीं रहा, या किसी मॉडल को आप सुपर मॉडल नहीं कह सकते, उसके पीछे का खास कारण उन्होंने हमें बताया। आजकल वो सुपर मॉडल का ब्रैकेट है ही नहीं, सब मॉडल्स हैं, सब सुपर मॉडल्स हैं, एंड दैट्स नॉट हाउ इट इज। यू नो इन आवर टाइम सुपर मॉडल्स यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज शोज, यू कुड वेयर जस्ट अबाउट एनी गारमेंट एंड मेक दैट गारमेंट सेल। एपिसोड 13 रिदम ऑफ लाइफ में हम लेकर आए थे बहुत ही अनसुनी कहानी
वो भी एक्टर पॉलिटिशियन कंगना शर्मा की, जो कभी कभी हम कहते हैं ना हंसते हुए चेहरा होता है सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन हंसते हुए चेहरे का गम पढ़ना कितना मुश्किल है, ये हमने कंगना शर्मा के इंटरव्यू से जानने की कोशिश की। मैं जहाँ पर जिस इंसान से एक होप में आई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी टूटी हुई थी, मेरी सिस्टर एक लास्ट स्टेज पे थी, मुझे एक ये था कि मुझे होप मिल जाए और शायद कुछ ग्रो का खेल हो, जैसे कि हम बहुत बिलीव करने लग जाते हैं बचपन से ही, हमें वो चीज़ें होती हैं कि कभी फास्ट रखना कभी ये सब, तो एक बिलीव रहता है कि हाँ कुछ तो सही हो सकता है, शायद मैं कुछ उपाय करूँगी या कुछ। एपिसोड 14 रिदम ऑफ लाइफ पर हम आपके लिए लेकर आए थे हमारे द मोस्ट पॉपुलर शेफ, द विटी एकदम मज़ेदार असरदार सरदार जी, हमारे शेफ हरपाल सोखी, जिन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे को बात बताई कि अगर पत्नी शेफ की पत्नी नाराज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए और वो क्या करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपको सॉरी बोलना कितनी जल्दी आता है, ये मूल मंत्र है। और ये सिर्फ इस जगह का मूल मंत्र नहीं है, हर जगह का मूल मंत्र। आप जितनी जल्दी बोलते हैं ना, अपना सर झुका के सॉरी बोल लो, चाहे किसी की भी हो। फिर एपिसोड 15 रिदम ऑफ लाइफ पर हम एक ऐसी कहानी लेकर आए थे आपके सामने जो हमारी इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड पॉपुलर फिल्मी फैमिली है, द दत्त। और उसमें उनकी डॉटर द प्रिया दत्त ने अपने दिल खोलकर अपने अपनी लाइफ के बारे में, अपने परिवार से जुड़ी इतनी करीबी बातें हमसे की। और ये हमारे सीज़न का एक वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड्स इसलिए भी था कि हम बात तो प्रिया दत्त संजय दत्त की कर रहे थे, लेकिन सारी कहानियाँ जो जुड़ी हुई थी वो इनके माँ और पिताजी से जुड़ी हुई थी, किस तरह नरगिस द लेजेंडरी नरगिस जी के समय किस तरह की मनोस्थिति थी प्रिया दत्त और सारे भाई बहन की, ये हमने जानने की कोशिश की। तो पिताजी मेरे पापा लेकर उनको चले गए, वी वर हियर, आई वाज इन स्कूल, सिस्टर वाज इन कॉलेज, माय ब्रदर वाज हियर, एंड वी यूज्ड टू जस्ट वेट एवरी डे दैट जस्ट टू फाइंड आउट हाउ माय मदर वाज। सो एंड यू नो घर बिल्कुल खाली हो गया, वी वर जस्ट, इट वाज लाइक वी वर जस्ट लेफ्ट देयर टू काइंड ऑफ डील विद थिंग्स। और फिर सेकेंड पार्ट में हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह संजय दत्त की समय जब उनको जेल हो गई थी, किस तरह का स्ट्रगल फैमिली ने देखा, किस तरह का स्ट्रगल सुनील दत्त साहब ने देखा, आइए एक बार दोबारा देखते हैं। आथरोड जेल था, वहाँ एक छोटा सा एंट्रेंस था ऑफिस में, ही यूज्ड टू सिट देयर जस्ट वेट फॉर माय ब्रदर टू कम फ्रॉम थाने फॉर द, बिकॉज द कोर्ट वाज इन आथरोड जेल जी, एंड दे यूज्ड टू ब्रिंग हिम फ्रॉम थाना एंड यू नो, एंड यूज्ड टू जस्ट वेट देयर फॉर आवर्स टुगेदर। एपिसोड 17 रिदम ऑफ लाइफ पे हम कहानी लेकर आए थे द पॉपुलर द सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह की, जिनका संगीत 2023 तक चल रहा है और मेरे ख्याल से आने वाले अनगिनत सालों तक पॉपुलर रहेगा। जब हमने उनसे बात की कि उनकी जो एल्बम मोहरा थी, जो इतनी डाइवर्सिफाइड थी, इतनी पॉपुलर थी 90s में, उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था, तो उसका क्या जवाब उन्होंने दिया, आइए एक बार दोबारा सुनते हैं। सो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन मोहरा, मैंने राजीव को ये बताया कि हम लोग एक बुफे डिनर बनाते हैं, लेट बिकॉज पीपल फेल्ट ना कि ये त्रिदेव का हैंगओवर है और ये है वो है फलाना। तो ऑफकोर्स आई वुड डेफिनेटली वाउच एंड रिस्पेक्ट राजीव, बिकॉज ही स्टूड बाय मी एट दैट पॉइंट, ही वॉज अंडर अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ गोइंग एंड वर्किंग विद समवन एल्स, बट ही सेज ही टोल्ड हिज पेरेंट्स और समथिंग कि भाई आई विल वर्क विद विजू। एपिसोड 18 रिदम ऑफ लाइफ पर अब बारी थी एक्ट्रेस पायल घोष की। पायल घोष ने तमिल तेलुगु सिनेमा में एक अच्छा नाम कमाया और उसके बाद जब वो हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया तो उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही, वो मी टू का शिकार रही और उसके उस किसी एक बड़े हस्ती का नाम लेना, वो भी मी टू से जोड़ना, उसके बाद की जिंदगी एक कलाकार की कैसी रहती है, इसका जवाब उन्होंने बहुत बेबाकी से दिया। Which actor is working after talking about Me Too? Yeah. Everybody's career is finished. You don't even know them by name. आने ही नहीं देंगे. I'm fighting. मैं किसको छोड़? I know they play so many tricks in a very different way.
I play with them. I keep playing with them. एपिसोड 19 रिदम ऑफ लाइफ पर हम फिर कहानी लेकर आए सुचित्रा कृष्णमूर्ति की, और काफ़ी डायनामिक पर्सनालिटी हैं सुचित्रा, और उनसे बात करना में हमें बड़ा मज़ा आया। खूब सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिली, और जब हमने पूछा कि आज के ज़माने में जो रिलेशनशिप्स की वैल्यूज़ है वो क्यों घटती जा रही है, उसके पीछे क्या कारण है, तो क्या जवाब था सुचित्रा का, आइए जानते हैं। Earlier, marriages survived because the woman was the mute partner. Mostly marriages survived because औरतों को कोई choice दिया नहीं जाता था, because the system was such, society was such. जैसे ही औरतों को choice मिलने लगा, they started demanding more, you know, and it is a power struggle. One wants power, women want the power to at least lead their own life, and men do not want to relinquish that power to control their life. Episode 20 Rhythm of Life पर फिर हम कहानी लेकर आए एक ऐसे एक्टर की जिन्होंने बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ काम किया है, टेलीविजन की बात करें चाहे वो फिल्मों की बात करें, यहाँ तक कि उन्होंने रेडियो तक में अपना एक बहुमूल्य कला का अंग को झोंका है, और उनका नाम है वीरेंद्र सक्सेना। वीरेंद्र सक्सेना साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही, काफ़ी हर बड़े विभागीय तरीके से जवाब देने में उनको मज़ा आता है हर सवालों का, और उन्होंने सलमान खान के साथ काम करके उनको कैसा लगा और कैसे उनकी प्रतिक्रिया बदल गई सलमान खान साहब के बारे में, आइए जानते हैं। जब उनके साथ वक्त गुजारा तो पता लगा कि तो बहुत अच्छे आदमी है, तो कैसे आपकी राय बदल गई, हम दूरी पर बैठे हुए लोगों के बारे में ओपिनियन बना लिया, तो पता लगा ये करो ये खाओ ये पियो, कुछ भी बन रहा है उनके किचन में, कुछ भी बन रहा है उनकी वैन में, वो आपको फ्रंट दिया जाएगा, फ्रंट खिलाया जाएगा, अरे खिला खिला देते, अरे यार उनका ब्रेकफास्ट भी ले जाओ, उनके वीरू जी के लिए ब्रेकफास्ट, कौन करता है। हमारा सीजन 121st एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड है उस पर शिरकत की द ट्रेड एनालिस्ट द फिल्म रिव्यू मास्टर कोमल नाटा जी ने, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन थी, काफ़ी अच्छे अच्छे पहलुओं पर हिंदी सिनेमा के उन्होंने बात करी, क्यों बिजनेस अच्छे बुरे होते आए हैं उसके बारे में बात करी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और जो टेक अवे था उस कॉन्वर्सेशन का, जब हमने उनसे ये पूछा कि सुपरस्टार्स की परिभाषा क्या होती है, यू नो आई टेल यू समथिंग, ये सुपरस्टार जो वर्ड है, शब्द है, हम इतने लूजली इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है। मेरे ख्याल से एक ट्रू सुपरस्टार वो है ना सिर्फ जो हिट्स, सुपर हिट्स और ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर करता है, लेकिन विद रेगुलरिटी डिलीवर करता है। ऐसा नहीं, एक स्टार को आप सुपरस्टार नहीं बुला सकते अगर उसकी एक फिल्म हिट होती है, दूसरी फ्लॉप, तीसरी एवरेज, चौथी फिर वापस ब्लॉकबस्टर, नो। फ्यू ऑफ द वीडियोस हु आर आवर फॉलोअर्स, कुछ मेरी टीम के वीडियोस हैं जिन्होंने ये मुझे वीडियोस भेजे हैं, ये बताया है कि जो 21 एपिसोड की जर्नी थी उसमें कौन से एपिसोड उनके खास थे और उनको उसमें क्या खास लगा, चलिए देखते हैं। एपिसोड की बात करें तो मुझे सबसे बेस्ट एपिसोड लगता है प्रिया दर्जी का, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टचिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग सा है, और कैसे आप लाइफ को फॉलो अप करते हो, कैसे आप लाइफ की चीज़ों को डील करते हो, मैं वो एपिसोड से सीखा। आई जस्ट वॉच दिस रहबार विद सुचित्रा कृष्णमूर्ति इन रिदम ऑफ लाइफ विच इज एपिसोड 19 इन YMF यूट्यूब चैनल। You know, what I liked the most in that episode is, I watched the whole episode again. Being a woman, I could connect to her and I could see the versatility in women. Like, she's been so versatile and yet so confident till now. सबसे favorite मेरे was Virendra Saxena ji, because उनके साथ जो भी time हम लोग ने बिताया है during the interview, after the interview, before the interview was आउट, मतलब एक्सेप्शनल। वो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, उनके वहाँ पे ऐसा नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक सेलिब्रिटी है। बहुत सारी लाइफ लेसन सीखने को मिले आउट ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस। वन ऑफ माई फेवरेट एपिसोड फ्रॉम रिदम ऑफ लाइफ सीजन 1 हैज़ टू बी द वन विद कुमुद मिश्रा, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटिफुल एंड सिंपल कॉन्वर्सेशन।
how effortlessly they touch such deep topics is commendable. I loved how Kumudji answered the questions on life and family. I absolutely love that. Bro, I basically have two. One of Priyadat ji and Suchitra ji. I am more on Suchitra ji's side because I could relate on many things. Jaisi wo hai, main bhi hoon. In fact, at time you doubt yourself, you're doing good or not. But then the way she answered, I was very clear, I'm doing good. I'm not wrong. और आपने वैसे ही कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिससे ये शॉर्ट हो गया था, जिनका जवाब उन्होंने दिया था कि she doesn't worry about what she does in life, what to achieve, and she only she's only doing things and have done what she likes. मेरे पर्सनल फेवरेट हैं कुमुद मिश्रा, जिनके साथ हमने एक शूट किया था स्टूडियो में कुछ ही महीनों पहले, जिनका जाना माना किरदार है कटाना भाई रॉकस्टार में से, जो मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है वैसे. और हमें उन्होंने ऐसी कुछ मज़ेदार चीज़ें बताई बिहाइंड द कैमरा, हमें बहुत मज़ा आया उनके साथ में. हेलो नमस्ते. ऑन रिदम ऑफ लाइफ सीजन 1 आई लाइक द एपिसोड 7 फीचरिंग आर जे अर्चना जी, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंट्रोवर्ट शी हैज अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ एंड शी इज सो डाउन टू अर्थ. नॉट ओनली मी, इवन माय नीस who doesn't allow me to watch any of the episode sat along with me, watched the video till end, because my niece loved the way Archana ji was laughing, talking, her smile, and I love Archana ji's story. And one thing about Rhythm of Life is that they choose their guests like Navrat. Each one is different from one another. My favorite episode to edit so far was the one with Chef Harpal Sophie. The ambience of the location, the naturalness of the conversation, and the beautiful stories that he shared with us. That was the most exciting part for me. हमने अब तक ऐसी ऐसी बातें उन एक्टर्स की, उन कलाकारों की, उन टेक्निकलिटीज़ को सामने लाने की कोशिश की जो हम और आप जिससे रूबरू नहीं थे. YMF के भले ही सब्सक्राइबर्स स्लोली स्टेडली इंक्रीज़ हो रहे हैं, फास्ट पेस पे नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जब सीज़न 2 में आएँ तो और अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाएँ, अपने कॉन्टेंट को थोड़ा और बेटर करें. और येस, वी आर ऑलवेज़ ओपन टू सजेशंस. आप भी हमें बताएँ कि हमारे कॉन्टेंट में कहाँ कमी है, या हम कहाँ चीज़ क्या अच्छी कर रहे हैं, उस चीज़ को हम और एनहांस करेंगे, जहाँ खामियाँ हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे. अगले सीज़न 2 में हम और अच्छा और बड़ा कंटेंट आपके सामने लेकर आएंगे. तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारे इस चैनल YMF को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा.